हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में एक खास तरह का फंक्शन है उसको दिखाऊंगा। अब ये क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शीट बनी हुई है, शीट वन, ठीक है। अब शीट वन ही है तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखा है और इसमें कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए और इनकी जनवरी में इन्होंने कुछ सेल किया है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे इसे हम करेंसी फॉर्मेट कर लेते हैं, आप यहां से जाकर के इसे करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जब जाएंगे ना तो यहां पर आपको मिलेगा करेंसी, तो इसे करेंसी पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इस पे भी हमें लगाना है तो सेम यहां पर जाकर के वही चीज करनी होगी कि यहां पे करेंसी फॉर्मेट में इसे भी बदल लेना होगा और यहां से डबल क्लिक करके इसकी साइज भी बढ़ा लेते हैं। फिर यहां पर भी वही काम करना है हमें, तो यहां पे जाके इसे करेंसी फॉर्मेट में पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं शीट नंबर वन पर और इसका नेम चेंज करना है शीट नंबर वन का। ये देखिए नीचे शीट वन आ रहा है, इसका नेम राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया जनवरी का डेटा, तो यहाँ मैंने जनवरी शॉर्टकट नेम जैन लिख दिया है। फिर यहाँ पे फरवरी के डेटा पे आएंगे तो फिर राइट क्लिक करके इसको भी रीनेम करेंगे, एफईबी फैब कर देते हैं, यानी फरवरी का डेटा है ये। और यहाँ पर ये मार्च का डेटा है तो यहाँ पर इसको भी रीनेम करके एमएआर लिख दिया, यानी मार्च का डेटा, ठीक है। ये समस्या हमारे साथ ये है कि हम ये तीनों डेटा एक ही शीट पे देखना चाहते हैं, तो या तो हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अगर कंडीशन ये लगा दी जाए कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं कंसोलिडेट फंक्शन। कैसे यूज होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा टाइप पे जाएंगे और डाटा टाइप पे जाने के बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट का। यहाँ देखिए ये कंसोलिडेट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फंक्शन नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपको एसटीडी देव फंक्शन है, काउंट नंबर्स है, प्रोडक्ट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है, काउंट है, सम है, तो इसमें रखें क्या, तो इसमें कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हमें चूंकि कंसोलिडेट कराना है तो हमें यहाँ पे सम ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कर्सर आपका ब्लिंकिंग यहाँ पे आने लगता है। अब हमें जनवरी के डेटा पे जाना है और ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और सेलेक्ट करके इसे ऐड कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पहले तो हम दूसरा वाला डेटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये दूसरा वाला डेटा जो है इसको हमें ऐसे सेलेक्ट करके और इसको भी ऐड कर लेना है यहाँ पे। अब तीसरे वाले डेटा पे यानी मार्च वाले डेटा पे चलना है और इसको भी इस तरीके से सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है यहाँ पे। अब देखिए नीचे कह रहा है ना कि आपको टॉप रो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जी हाँ हमें बिल्कुल चाहिए और लेफ्ट वाला कॉलम भी चाहिए, तो इस पर हमने टिक कर दिया। और हम ये भी चाहते हैं कि एक लिंक भी बन जाए सोर्स डेटा का, तो यहाँ पे लिंक पे भी क्लिक कर दिया है और अब ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ और थोड़ा सा जूम भी करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, आसानी से आप देख पाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका डेटा है ये फरवरी का है, ये जनवरी का है और ये मार्च का है, ये तीनों ही डेटा यहाँ पे आपको शो होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही टू पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अलग अलग सेल्स इस तरीके से भी दिखाएगा। देखिए यहाँ पर पहले तो ये इस तरीके से दिखा रहा था, ये देखिए ये किस तरीके से पहले था, ये इस तरीके से दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही ये टू पे क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरीके से दिखाएगा। देखिए तो ये चूंकि बुक वन क्या है, तो बुक वन नाम है, किस चीज का नाम है, तो जो हमने ये लिया है ना, आप देखिए शीट का नाम क्या है, ये हमारे वर्कबुक का नाम क्या है, बुक वन है, तो वर्कबुक का नाम आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कंसोलिडेट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।